क्या वो हम जैसे हो गए थे, डिड दे बिकम अस। और इसे समझने के लिए मैं जो रेफरेंसेस लेने वाला हूं आज, वो सारे के सारे, लगभग सारे के सारे विदेशी लेखकों द्वारा दिए गए हैं। जब हम मुगलों की बात करते हैं तो सारे के सारे मुगल अपने आप को वंशज मानते हैं तैमूर लंग का। जब वो यहाँ आया था 1398 में, तो यहाँ उसने भारत में कई लाखों हिंदुओं की हत्या केवल इसलिए की थी कि वो हिंदू थे, और फिर वो वापस चला गया था। जितने हमारे यहाँ शासक हुए, जिन्हें शासक माना जाता है, बाबर ऑनवर्ड्स माना जाता है, तो बाबर और तैमूर लंग के बीच में चार लोग और थे। उन्होंने भी लूटपाट मचाने का प्रयास किया, यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो सके। औरंगजेब तक सारे के सारे बहुत गर्व अनुभव करते थे कि वो तैमूर लंग के वंशज हैं। कि इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, तो सारे बोलते हैं कि हम उस तैमूर लंग के वंशज हैं जिसने यहाँ पर लाखों लोगों को केवल इसलिए मारा कि वो हिंदू थे। फिर भी हमें प्रमाण चाहिए होते हैं कि नहीं यार, हो सकता है कुछ परिवर्तन आ गया। तो इसलिए हम अब देखना शुरू करते हैं कि क्या कोई परिवर्तन आया था। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ उल्लेख ले रहा हूँ वो होगा बाबर से। ये बाबर का जो बाबरनामा है, जो उसने स्वयं लिखा था, उसमें से है। बाबरनामे में मैं उसका आपके साथ एक फरमान शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें उसने शराब पीना छोड़ा है, और उसके बारे में वो अपना फरमान जारी करता है। इसका ट्रांसलेशन एडवर्ड प्राइस ने किया है। तो बाकी के जो सारे बुराइयां थी वो तो मैंने छोड़ दी थी, कि जो भी इस्लाम में हराम कहा है वो छोड़ चुका था। लेकिन शराब को छोड़ने का समय कब आया? जब हम सारे जिहाद करने के लिए तैयार बैठे थे कि अब हम एक इस्लाम की फौज है, इस्लाम का लश्कर है, और यहाँ पर काफिरों को मारने आए हैं, तब ये सोचा गया कि अब हम शराब पीना बंद करेंगे। अब यहाँ पर वो कुरान की आयतें पढ़ रहा है कि अब वो वक्त आ गया कि जब हमने हक को जाहिर करना है, और हक क्या है कि अल्लाह का जो हक है वो हमने सबके सामने जाहिर करना है। और इसमें बाबर फिर माफ़ी मांग रहा है, और फिर वो क्या बोलता है कि अब हमने जिन प्यालों में शराब पीते थे, वो सोने के बने थे, चांदी के बने थे, हमने उनको फेंक दिया, और वो तारों की तरह चमकने लगे, और जिस तरह इनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसी तरह इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम जो काफिरों के भगवान हैं, जो मूर्ति पूजा करने वालों के भगवान हैं, उनको भी, उनके भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये पहला मुगल शासक है जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा है कि इन्हें हमसे कितनी नफरत थी। तो दे बिकेम अस बाबर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका ऐसा उल्लेख है कि अकबर ने इस्लाम छोड़ दिया था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं उसने दीन इलाही शुरू कर दिया था, एक नया मजहब बना दिया था। लेकिन ये दो अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही चीजें आपको गलत दिखाई देंगी। और इसके लिए मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो एक किताब है, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर्स बाय श्री राम शर्मा। ये किताब इन्होंने लिखी है मूल जो पर्शियन टेक्स्ट थे उनको स्टडी करने के बाद। और इसमें उन्होंने अकबर का जो सारा बिहेवियर उसको एनालाइज करके उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के आधार पे बताया। मैं उनमें से एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ। इसमें आप देखें जो 7वीं-8वीं लाइन है, फर्दर इन हिज लेटर्स टू अब्दुल्ला खान उज़्बेक रिटन इन 1586। अब 1586 का मतलब है केवल मरने से 20 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, लास्ट के लगभग एंड में आ गए। अकबर डेफिनेटली डिक्लेयर्स हिमसेल्फ अ मुस्लिम एंड प्राउडली बोस्ट्स that on account of his conquests, Islam had now spread to territories where it had never been heard of before, and that temples of the non-believers had been converted into mosques. He also roundly declares that institutes of the Prophet and revelation of God have always been his guides. Thus, Akbar seems to have considered himself a Muslim almost to the very end of his life. Jahangir ने अपनी किताब लिखी है जिसे तुजुके जहांगीरी बोला जाता है और तारीख़े जहांगीरी भी बोला जाता है। तो पहला जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो जहांगीर के अपने मेमोयर्स हैं जिन्हें ट्रांसलेट किया था किसी ब्रिटिशर ने, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें काम में आएगी। यहाँ पर वो
अपने आप लिख रहा है जहांगीर के कनौज के बारे में रेफर कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, कि कनौज में बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर रखा था। ये जब वो जीत चुके हैं उसके बाद बता रहा है कि वहां पर लगभग 100,000 लोग थे जिन्होंने विद्रोह कर रखा था। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारे देश का एक प्रोविंस है, 100,000 लोग विद्रोह कर रहे हैं, इनके लिए शब्द यूज किया जाता है बागी। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्हें पता था कि ये विदेशी हैं, हमने इनसे छुटकारा पाना है, अगर वो दे बिकेम अस वाली बात होती तो कभी बगावत होने का प्रश्न नहीं उठता था, अगर ये आम राजा होते। द मेयर फैक्ट कि एक प्रोविंस के अंदर 100,000 लोग सेना बनाकर इनसे लड़ना चाहते हैं, वो आपको एक और इंडिकेशन है, बिल्कुल इन द फेस है कि ये यहाँ पर हम जैसे नहीं बने थे, ये यहाँ पर कब्जा करके बैठे थे। तो जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, जो भाग सकते थे वो तो भाग गए, जो पकड़े गए उन सबको मारा गया और उनकी लाशों को जहांगीर ने ऑर्डर दिया कि जितने मेन रोड्स हैं उन पे इनको उल्टा लटकाया जाए ताकि लोगों के दिलों में दहशत बन जाए और वो हमारे अगेंस्ट बगावत ना कर सके। और अब वो उसके बारे में बता रहा है जो सेंग्विनरी एग्जीक्यूशंस की बात कर रहा है, विच हैव बीन डेल्ट अमंग द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए वो ये नहीं कह रहा कि जो मेरे अपने देश में किया गया है, विच हैव बीन डेल्ट विद द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, के हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर इस तरह की एग्जीक्यूशंस हम बार बार करते रहे हैं। द नंबर ऑफ टर्बुलेंट एंड डिसअफेक्टेड नेवर सीम्स टू डिमिनिश। बगावत करने वालों की संख्या कभी भी कम नहीं होती, हम जितने मर्जी इनके लोगों को मार काट देते हैं। फॉर वॉट विद द एग्जाम्पल्स मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ माई फादर एंड सबसीक्वेंटली ऑफ माई ओन। अभी अकबर का बेटा है जो बता रहा है कि मेरे बाप ने भी इसी तरह की एग्जीक्यूशंस की थी और मैं भी करता रहता हूं, लेकिन फिर भी कभी भी जो बगावतें हैं वो कम नहीं हो रही है। हर एक प्रांत में, हर एक सूबे में 5-5, 6-6 लाख लोगों को तलवार से काटा जाता है, मारा जाता है, ताकि ये बगावत ना कर सके, लेकिन फिर भी हमेशा बगावत होती रहती है। कभी भी ऐसा समय नहीं हो कि हिंदुस्तान में बगावत नहीं हुई, जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें किसी ना किसी कोने में हमेशा कोई ना कोई बगावत का झंडा लेके खड़ा हो जाता है। ये ऐसे एक्सप्लेनेशंस आपको इस्लाम के आने से पहले कहीं नहीं मिलते, उससे पहले के जो रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जितने ट्रैवलर आते हैं वो मेगस्थनीज था, इत्सिंग था, फाहीन था, ह्यूनसंग था, सारे बताते हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी शांति से रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस्लाम आता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू, दो चीजें दिखाई देती हैं, हमेशा बगावत हो रही है और पहले जो लोग खुश थे, अमीर थे, समृद्ध थे, वो अब गरीब हो चुके हैं और अब जो राजा है वो अमीर होते जा रहे हैं। ये उसकी किताब है तुजुके जहांगीरी, जिसमें वो जो सिख गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, हालांकि सिख गुरु कहना ही मूर्खता है, गुरु तो वो सबके हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ इस तरह का क्रिएट कर देती है। तो उनके बारे में वो क्या बताता है, इन गोबिंदवाल विच इज ऑन द रिवर ब्यास देर वॉज अ हिंदू नेम्ड अर्जुन। हम वो मुसलमान है लेकिन वो क्लियर है कि जो अर्जुन है वो हिंदू है। इन द गारमेंट्स ऑफ सेंटहुड एंड सैंक्टिटी सो मच सो दैट ही हैड कैप्चर्ड मेनी ऑफ द सिंपल हार्टेड ऑफ द हिंदूज एंड इवन ऑफ द इग्नोरेंट एंड फूलिश फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। तो वो बता रहा है कि ब्यास के किनारे पे गोबिंदवाल शहर में अर्जुन नाम का हिंदू है जो अपने आप को संत बताता है और उसके पीछे बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुसलमान लग चुके हैं, और मैं और इसकी इनकी इसके फॉलोअर्स की जो संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और फॉर 3 or 4 जनरेशन दे हैड केप्ट दिस शॉप वार्म। उसने बोला दुकाने बातिल के जो इस्लाम के अगेंस्ट दुकान चला रखे हैं वो यहाँ पर बहुत गर्म हो चुके 3-4 जनरेशन से। और मेरे मन में बहुत बार आया कि इनको मैं इस्लाम के अंदर ले आऊँ, फिर उसे मौका कब मिला। अब देखिए एक और कॉन्ट्रास्ट आप देखिए, यहाँ आपको हमारे इतने बड़े इतिहास में बहुत रेयरली कहीं मिलेगा कि बाप बेटे से लड़ रहा है या बेटा बाप से, भाई भाई से लड़ रहा है, बल्कि उल्टा मिलता है कि भाई अगर निकल भी गया तो उसकी पादुका लाके वो वहां पे रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जहांगीर का बेटा है खुसरो, अभी 19 साल का है, और वो बाप के अगेंस्ट बगावत कर देता है क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। तो एट लास्ट व्हेन खुसरो पास अलोंग दिस रोड, तो खुसरो जब इसे पता लग गया कि खुसरो मेरे सत्ता पे कब्जा करना चाहता है, तो इसने डिसाइड किया कि अपने बेटे को सजा देनी है।
दोनों तरफ आप विशियसनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो फिर भागा वहां से, जब वो भाग रहा था तो वो पंजाब में से पास किया, और पंजाब में यहाँ पर गुरु अर्जुन देव थे तो उनसे वो मिला। तो गुरु अर्जुन देव ने उसके माथे पे केसरी रंग का तिलक लगाया। तो ये जो सारे ये समाचार थे ये जहांगीर तक पहुंचे। तो जहांगीर ने बोला कि अर्जुन को पकड़ के लाओ, और फिर उसको पकड़ के लाते हैं, और फिर मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस गुरु अर्जुन देव को मार दो, और उसे मार दिया। तो दे बिकेम अस कितना सच्चा है वो आप एक बार फिर से अपने आप समझ सकते हैं। शाहजहां के शासनकाल में फ्रैंकोइस बर्नियर था, फ्रेंच ट्रैवलर जो यहाँ पे आता है, और उसकी किताब का पेज नंबर 3 है जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ। वो बता रहा है कि शाहजहां जो है वो जहांगीर का बेटा है, अकबर का पोता है, और हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को तिमुरलेन का या तैमूर लंगड़े का डिसेंडेंट मानते हैं। और आगे वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है कि उन्हें मुगल कहा जाता है, अ नेम विच दे हैव कम्युनिकेटेड टू द फॉरेनर्स हु नाउ रूल हिंदुस्तान, द कंट्री ऑफ द हिंदूज और इंडियंस। तो हिंदुओं को बड़ी अच्छी तरह से पता था, अभी हम 5वें मुगल के शासनकाल में हैं, उस समय भी ये पूरी की पूरी चेतना थी विदेशी जो आ रहे हैं उनको भी और हमारे लोगों को भी कि ये जो मुगल हैं ये विदेशी हैं और इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है। और आगे वो इससे भी इम्पोर्टेंट बात बताता है कि यहाँ पर जो आर्मी की टॉप पोजीशंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप पोजीशंस है, वो केवल मुगलों को नहीं दी जाती है, इन सारी की सारी जो ऊंचे पद हैं उन पर पर्शियंस बैठते हैं, अरब्स बैठते हैं और टर्क्स बैठते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदू नहीं बैठे इनमें कहीं। और अगर आपको मंगोल कहलाना है तो मंगोल मुगल होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको फॉरेनर होना जरूरी है और मुसलमान होना जरूरी है। और फॉरेनर कैसे, आपकी चमड़ी वाइट होनी चाहिए। औरंगजेब के वो सबको पता है कि उसने फरमान जारी किया था कि सारे मंदिर तोड़ दो। अप्रैल 1669 में वो एक फरमान जारी करता है कि जितने हिंदुओं के मंदिर हैं, जितने इनके गुरुकुल हैं, वो सबके सब तबाह कर दिए जाएं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दे बिकेम अस कभी पॉसिबल, मतलब हुआ भी हो कि अगर हैड दे बिकम अस तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये देश होना चाहिए था। लेकिन पहले दिन से मोहम्मद बिन कासिम से लेके औरंगजेब तक हर जो शासक यहाँ सत्ता स्थापित करता था वो मक्का मदीना में यहाँ से पैसे निकाल निकाल के भेजता था। तो वही रेफरेंस मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये किताब है लाइफ ऑफ औरंगजेब, सॉरी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ औरंगजेब, इसके लेखक हैं जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 103 है, वॉल्यूम 3। जैसे ही वो गद्दी पे बैठता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि 660,000 रुपये मक्का में भेजता है। आप कल्पना करके देखें उस समय के 660,000 रुपये कितनी बड़ी अमाउंट थी, और क्योंकि हम सबसे अमीर देश थे तो ये आपको बार बार पूरे उसके शासनकाल में दिखाई देता है कि कभी 1,00,000, कभी 2,00,000, कभी 4,00,000, और कुछ कुछ हजार तो सैकड़ों बार भेजता है वो। जैसे लास्ट में यह रेफरेंस आ रहा है कि मक्का का एनवॉय आता है तो उसको 13,000 रुपये कैश दे दिए जाते हैं। फिर ये अलग अलग रेफरेंसेज हैं कि कभी 9,000, कभी 30,000, कभी 5,000, इस तरह से वो वहां पे भेजता रहता था। और फिर डिसंबर 1693 व्हेन हिज सन मोहम्मद आजम रिकवर्ड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस सेंट 1,20,000 रुपीज टू बी स्पेंट इन चैरिटी एट मक्का एंड मदीना। और आप याद रखिएगा ये वो समय है जब यहाँ के लोगों को लूट कर अपनी जेबें भरी जा रही थी, और यहाँ जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति बता रहा है कि यहाँ के लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को गुलाम मंडियों में ले जाकर बेचते हैं ताकि कर्जा चुका सके, या वो किसी हिंदू राजा के शासनकाल में जहां पर उसका शासन है वहां जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में ये जिन्हें बताया जाता है दे बिकेम अस, वो लाखों रुपए मक्का में भेज रहे थे।